हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में। और फ्रेंड्स आपको पता है अभी है लॉकडाउन, बाहर जितने भी चाट पकौड़ी के ठेले हैं वहाँ पे अभी सब जगह बंद है। तो इस तरह से घर पे रहते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है और खाने का भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का मन करता है। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो पास्ते का। ये है शॉर्ट वीडियो, यानी कि शॉर्ट पास्ता कहते हैं इसे। और मैंने यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए स्पेशल शेयर किया है इस पर, ताकि आप घर पे रह के इस तरह से पास्ता बना के खा सकते हैं, ताकि आपको मार्केट की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। और बड़े तो छोट बच्चों को तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ खाना। तो चलिए इसे बनाना करते हैं शुरू। यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए मैंने पास्ता लिया है 1 प्लेट, और इस पास्ते को बोलते हैं शॉर्ट पास्ता। कई तरह के पास्ते होते हैं, मैक्रोनी पास्ता अलग होता है, ये है जो शॉर्ट पास्ता है और आज इसको बनाएंगे। यहाँ पे गैस पे देखिए मैंने भगोनी में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और पानी जब अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद में आप इसमें ये पास्ता ऐड कर दें। और सारा आपको विशेष ध्यान यहीं पे रखना है कि पास्ता ज़्यादा बॉयल नहीं हो, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, और साथ ही यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल ऐड करने से ये होता है कि ये चिपकेगा नहीं पास्ता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे पानी में इस तरह से मैंने 2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है, और तेल ऐड करने के बाद में इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे इस तरीके से। चलाने के साथ ही यहाँ पे अभी इसको करीब 1 से 1.5 मिनट लगेगा पकने में, और यहाँ पे गैस की फ्लेम है जो आपको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे कर देनी है इसी तरह से ढक्कन लगा के। और यहाँ पे देखिए अभी 1 से 1.5 मिनट करीब करीब हो चुका है, बीच में आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें। और ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है, केवल आपको 70% इसको बॉईल करना है ताकि एकदम अलग अलग रहे। ज़्यादा बॉईल करने से ये बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ना खाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे अभी गैस को बंद कर देते हैं, और पास्ता को हम अभी एक टोकरी में निकाल लेंगे, इसके पानी जो है वो अलग निकाल लेंगे और पास्ता टोकरी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी अलग हो जाएगा टोकरी में से। और यहाँ पे मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पास्ता देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुका है, एकदम खिला खिला है, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा बॉईल नहीं किया है हमने। एकदम तो बस खिले बॉईल हुए हैं करते ना। समय आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको बार बार चेक कर लेना है। और यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है, 1 चम्मच तेल, साथ ही 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड कर दिया है। जीरा हल्का सा भून जाने के बाद में प्याज ऐड कर दिया है। प्याज अपने आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, प्याज की इसमें कोई मात्रा नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने हरी मिर्ची ऐड करी है, 2 बारीक कटी हुई, और यहाँ पे हरी मिर्ची ऐड करने के साथ ही प्याज और हरी मिर्ची को हल्का सा हम भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो लहसुन इसमें ऐड कर सकते हैं, और लहसुन इसमें ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम प्याज और हरी मिर्ची मिला लेंगे, साथ ही यहाँ पे देखिए टमाटर ऐड करें 2 मीडियम साइज़ के, बारीक कटिंग करके टमाटर को भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज सिर्फ हल्का सा कच्चापन हो जाए उतना ही फ्राई करेंगे हम, सब्ज़ी जितना नहीं पकाना है। यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर हल्के से मिला लिए हैं, मिर्ची ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे, और अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पे नमक 1/2 टेबल स्पून ले रहे हैं, क्योंकि नमक थोड़ा ही ऐड करें, आपने बॉईल करते समय भी नमक ऐड किया है। हल्दी ऐड करिए 2 से 3 पिंच, और मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे यहाँ पे मसालों को इसके अंदर अच्छे से। और जब भी तेल के अंदर हल्दी मिला के ऐड करते हैं तो जो भी रेसिपी बनाते हैं उसमें कलर काफ़ी बढ़िया आता है। और यहाँ पे देखिए हल्के से टमाटर मेल्ट हो चुके हैं बढ़िया से, और टमाटर मेल्ट होने के साथ ही यहाँ पे हम पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता ऐड करने के बाद में इसको मिला लेंगे। तो टमाटर ज़्यादा मेल्ट नहीं करने हैं आपको, जितना टमाटर को आप सब्ज़ी में पकाते हैं उतना बिल्कुल भी इसमें मेल्ट ना करें टमाटर। और यहाँ पे अभी मिक्स करने के साथ ही अभी इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सोया सॉस, और अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सोया सॉस था तो मैं 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा ऐड नहीं करें आप क्योंकि थोड़ा स्पाइसी होता है ये। और यहाँ पे भी इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप, थोड़ा सा टमाटो सॉस भी ऐड कर देंगे ताकि हल्का सा ये बिल्कुल चटपटा और खट्टा मीठा लगेगा थोड़ा। यहाँ पे हम मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं, मैगी मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं, और यहाँ पे अभी आप पास्ता मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ, इसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है पास्ते में। और मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे यहाँ पे इसको। मिक्स करने के साथ ही हमारा जो पास्ता है ये बन के रेडी है, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना होता है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रखनी है। इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया ऐड करने के साथ ही इसको वापस से एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के साथ ही हमारा पास्ता बन के रेडी है। देखिए एकदम खिला खिला, बिल्कुल कलरफुल,
पास्ता बिल्कुल मार्केट में मिलता है इस तरीके से। आप चाहें तो इस पे चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए प्लेट, सर्विंग प्लेट के अंदर इसको हम अभी करेंगे सर्व। तो सर्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि पास्ता जो हमने बनाया है बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बना है। और यहाँ पे इस तरह से आप अभी इस लॉकडाउन में घर पे पास्ता बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं फ्रेंड्स अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए पास्ता बन के तैयार है, और इसके ऊपर अभी थोड़ा सा हरा धनिया और गार्निश कर देंगे हम डेकोरेट के लिए, काफ़ी सुंदर लगेगा ताकि ये दिखने के अंदर। और इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बना दिया है, और इतना सुंदर डिलीशियस यम्मी सा पास्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर खाने का मन है तो अभी शुरू हो जाइए इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आज ये पास्ते की रेसिपी आपके साथ में शेयर करी है। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो रेसिपी।